ऑल सेट और गाड़ियाँ रेडी हो रही है, लगेज बन चुका है मेरी गाड़ी में। सोनू अपने कर रहा है, प्रदीप भी कर रहे हैं अपने, ठीक है। चलो भाई रेडी। हाँ चलो, और कहाँ का टारगेट रखना है? जोगेश्वर, त्यागेश्वर सॉरी, है ना? एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे, उसके बाद रखेंगे गोलू देवता टेम्पल। तो पेट्रोल सुबह मॉर्निंग यहीं से फुल करा लिया था, कल तो हम पेट्रोल पम्प के लिए कर रहे थे। हाँ भाई सोनू, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल मतलब साल जी के बन, और एक्चुअली टाइम में पता नहीं था, टाइमिंग इनकी है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, उसके बाद पेट्रोल पम्प को सीटियाँ बजाते रहो, हॉर्न बजाते रहो। वही तो, आप बाहर निकले फिर तो वापस जा रहे हैं ना? माँ मेन पुल से ही तो निकलेंगे, इनसे पूछ रहे यार। बहुत बढ़िया सड़क है, ऐसी रात को मिल जाती तो कवर हो जाता। रात को तो यार वाकई में बड़ी बेकार थी। बहुत बेकार है। सर फूट गया, पूरा शरीर घंटी बजा रहा है। इतनी घंटियां नहीं देखी भाई मैंने किसी ने। हाँ ये ब्रेड भी थी, ब्रेड बोले ना? हाँ ब्रेड। मंदिर के पास आए और कुछ खाए नहीं तो ऐसा कुछ बनता नहीं, तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ब्रेकफास्ट के लिए दिखा, पकोड़े वगैरह, ब्रेड पकोड़े वगैरह, तो चाय और ब्रेड पकोड़े बोले अभी तो। चटनी भाई साहब, चटनी थोड़ी अलग है, हमारे जो दिल्ली में होती है ना लाल हरी, थोड़ा डिफरेंट है, अलग ही महक आ रही है। भी है, फिर टेस्ट भी बहुत अलग है। टेस्ट अलग, अच्छा। तो दोस्तों दर्शन हो गए गोलू देवता मंदिर के, विजिट करना जरूरी मस्ट है क्योंकि ज़्यादा देर लगती नहीं है। और हम तो खैर टाइम में ले लिए थे क्योंकि कुछ खाने पहले गए थे, मतलब चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हम जागेश्वर की तरफ। तो यही सेम रूट जा रहा है जो जागेश्वर जा रहा मंदिर के लिए, तो काफी अच्छा रोड। नैरो रोड का ये बड़ा नुकसान है यार। अब बताइए, दो कारें नहीं निकल पा रही हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये सड़क पे सड़क चढ़ गई है ना सोनू? हाँ भाई, सड़क पे सड़क तारकोल पे तारकोल करके ये गहरी हो गई एक कॉर्नर पे जगह। अब यहाँ तो उन्होंने सीमेंट से ये भर दिया है, वहाँ अगर गाड़ी एक टायर गया तो मतलब समझ लो गाड़ी फंस गई, बिल्कुल उठनी भी नहीं है।
तो ये हमने इधर से लिया है, लेफ्ट से, वहाँ से लेफ्ट से आके सामने से आके लेफ्ट से लिया है। जोगेश्वर यहाँ से 3 किलोमीटर है, अल्मोड़ा अभी 33 है जहाँ से हम रोड से आए हैं। तो सामने से आके हमें लेफ्ट लेना है, तो हमने लेफ्ट ले लिया। सोनू भी पीछे रह गया, पीछे रह गया ना, कनेक्ट तो है नहीं। चलो आ जाओ सोनू, आगे आ जाओ। हाँ सोनू क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ भाई बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगान का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस आने को ये कम कुछ पल रह गए। यही है, पार्किंग है आगे। चलो चलो आगे, बाइक के लिए तो आगे जगह होगी, यहाँ तो नहीं है। तो जागेश्वर टेंपल आ चुके हैं और ये प्रसाद लिया है, सोनू भी साथ, प्रदीप आ गया है फ्रंट में। और मंदिर तो मतलब बता रहे हैं काफ़ी अच्छा है, तो आए हैं तो होके जाएंगे। हर हर महादेव। जागेश्वर मंदिर ये है और वो है मृत्युंजय मंदिर है, वो जो जागेश्वर जगह के नाम से जो मंदिर है वो ये है जागेश्वर मंदिर। दोनों मंदिर है, दोनों पे अपने जाइएगा कभी आपने इधर आना हो तो दोनों ही में ही शिवलिंग है, दोनों में ही जल चढ़ाने को आपको मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सारी मार्केट है, अच्छा मतलब भीड़ भी नहीं थी और इतना खालीपन भी नहीं था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब हम सीधा नैनीताल की ओर जा रहे हैं, आज का स्टे हमारा नैनीताल में रहेगा, वहीं स्टे करके फिर कल मॉर्निंग दिल्ली की ओर चलेंगे। कुछ दिल्ली से लोग भी इधर आए हुए थे, मिले थे, मतलब यहाँ की हमें नहीं पता कि जागेश्वर धाम के बारे में, पहले नहीं था अब तो पता है, लेकिन लोग कई हैं जो जानते हैं यहाँ पे इस स्थल को और आते हैं। बहुत ही शांत जगह है, आना मस्ट है इधर आना। अगर आप अल्मोड़ा आए तो 30-35 किलोमीटर आ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता कि उस चीज़ को मिस करें।
क्या घाटियाँ हैं गजब। सोनू भाई जी भाई, हाँ घाटियाँ देखो भाई रास्ते में, बहुत बढ़िया भाई। हाँ मतलब टाइम हो रहा है 3 बजे, तो अलग ही धूप का अलग ही वो आ रहा है, जो चमक होती है दिन की अलग होती है शाम की अलग। अल्मोड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया हमने कि रात को हम अल्मोड़ा निकल गए थे 45 किलोमीटर जो हमने रात में राइड करी है, वही बेहतर हो वही सही साबित होगा आज के लिए। चलिए और रोड तो ये वही चलेगा अभी, मतलब ठीक ठाक रोड चलेगा, गड्ढे वड्ढे जो थे अभी रास्ते में वो नहीं मिलेंगे। ओके तो ठीक है, ओवरऑल गुड, सब कुछ सही चल रहा है। और मैं सीधा नैनीताल में रूम वगैरह लेते हैं, फिर आपको वहीं पे मिलता हूँ। तो अभी फाइनली नैनीताल आ गए, ये भैया कुछ मिल गए हैं होटल वाले, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए होटल कैसे बता रहे, बाकी तो रेंज बड़ी ज़्यादा बता रहे हैं, 2000-3000 वाली, ये भैया बता रहे हैं 1500 में मैं करवा देता हूँ। चलिए कोई नहीं, ऊंचाई सही। बहुत ऊंचा है भैया होटल, वहाँ पे भी बताइए शर्म नाम की चीज नहीं, ओवरटेक हो रही है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए नैनीताल और एक होटल लिया है 1200 रुपये नाइट के लिए। सुबह हम यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा जो जनरली होता है, और पीछे का व्यू है ये नैनीताल का, जो नैनीताल लेक है। अभी मुझे नहीं लगता कुछ विजिबल हो रहा होगा, तो मॉर्निंग यहाँ का व्यू दूंगा। और आज का वीडियो फिर यहीं पर एंड करते हैं, और जब तक के लिए बाय। और वीडियो लाइक पसंद आए तो फिर लाइक करना, क्या करना आपको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है जो आपको पूछना है, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तो बहुत मेहरबानी। चलिए फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट कुछ नए सुबह के साथ, नई राइडिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।